नमस्कार बीटीएन प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। बाढ़ की धार तो कम हुई लेकिन तेवर अब भी बरकरार। शनिवार को सिंहवाड़ा के सरवाड़ा का बांध टूटा, चारों ओर पानी ही पानी। शहर में भी 6 दिन से ठहरी है नदी। 2017 की तुलना में 1.5 फीट कम है बागमती नदी का पानी, स्थिति यथावत। और पाताल से कम होते पानी को जमी पर लाने के लिए परेशान जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM अब आसमान से बरसे पानी और उफनती नदी से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर और मोटरबोट के सहारे जलदूत बनकर पीड़ितों के बीच झोंक रहे, अपनी ताकत दे रहे सेवा। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा, सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरिया सराय। और अब समाचार विस्तार। बाढ़ की धार तो कम है लेकिन इसका कहर अभी भी बरकरार है। जी हां, शनिवार को सिंहवाड़ा के सरवाड़ा का बांध दोपहर में टूट गया और पानी ने यहां कोहराम मचा दिया। आसपास की भी स्थिति यही है और एक सप्ताह से पानी मानो ठहर गया है। जहां थोड़ा कम भी हुआ है वहां तबाही का मंजर है, गंदगी का मंजर। 12 जुलाई से लगातार नेपाल की तराई से आ रहा पानी कहर बरपा रहा है। इसकी धार में तो कमी आई लेकिन तेवर अब भी बरकरार है। 7 दिनों की बात करें तो ठहर गया है पानी और सामान्य जीवन लोगों का तहस नहस कर दिया है इस बाढ़ ने। शनिवार को बाढ़ की धार इतनी तेज हुई, पानी का दबाव पड़ा कि सिंहवाड़ा के सरवाड़ा में यह भार सह न सका और अंततः बांध टूट गया। यह स्थिति है शनिवार को। आप समझ सकते हैं कि इसकी धार में कहीं तो कमी लेकिन तेवर अब भी बरकरार और पानी की मार से लोग परेशान। हालांकि इस पानी का असर दरभंगा शहर की ओर तो नहीं पड़ा लेकिन आसपास का इलाका पूरा पानी पानी हो गया, जलमग्न हो गया। शनिवार को बांध टूटने के समय की यह तस्वीर सिंहवाड़ा के सरवाड़ा में और ये ऊपर से ले गई तस्वीर है जो आपको हम दिखा रहे हैं कि बाढ़ का पानी किस कदर दरभंगा में चारों ओर लगातार अपना साम्राज्य बना चुका है। और ये जो हरा हरा दृश्य आप देख रहे हैं यही मकान इत्यादि का और वृक्ष इत्यादि का दृश्य है, बाकी हर जगह पानी ही पानी। शनिवार को दरभंगा की सामान्य स्थिति की एक जगह बांध टूटा सिंहवाड़ा के सरवाड़ा में, जो आप दृश्य देख रहे हैं। शनिवार की दोपहर में पानी ही पानी चारों ओर, इस बांध पानी का दबाव या बांध सह न सका और पानी का साम्राज्य चारों ओर। शहर में भी स्थिति यथावत है। 6 दिनों से हम बात करें तो सोमवार को थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई और फिर 3 से 4 इंच कमी हुई। 6ठे दिन यानी हम बात करें लगभग 100 घंटे से बागमती नदी, चाहे वह एकमी हो, चाहे मप्पी हो या किला घाट हो, ठहर सी गई है। यूं कहें आपको कि 2017 से 1.5 फीट नीचे नदी आकर रुक सी गई है और लोगों की सांसें थमी है। दरभंगा शहर का यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, किला घाट का मब्बी से लेकर एकमी तक 6 दिन से नदी ठहर गई है। 2017 से 1.5 फीट नीचे है पानी और ये जो पंजार खां का कुआं देख रहे हैं यह भी डूब गया था 2017 की बाढ़ में। यह एक इंडिकेशन है। 6 दिन से मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी जिससे दरभंगा शहर और आसपास इसे थोड़ा अछूता रहा और इससे थोड़ी राहत मिली। नदी थोड़ी बढ़ी कभी घटी। यह जो आप दृश्य देख रहे हैं 6 दिनों से इसी तरह ठहर गया है पानी और सीढ़ियां आप गिन सकते हैं कि इतनी ही संख्या में बाकी है। 10वें सीढ़ी पर आप चढ़ कर करके
अंदाजा लगा सकते हैं कि बागमती ठहर गई है। बहरहाल दरभंगा शहर के 8, 9 और 23 के कुछ भागों में पानी, जो बागमती के पश्चिम का इलाका है, शेष भाग में कई नालों में निचले इलाकों में लबालब पानी है, लेकिन 6 दिन से लोगों की सांसें थमी है कि पानी आएगा या नहीं। थोड़ा भी बादल काला होता है, ऊपर बादल लगता है, लोगों की सांसें थमती है और खबर आती है नेपाल की तराई से, लेकिन जो बाढ़ का पानी है, एक तरफ नदी घटती है बढ़ती है और कुल मिलाकर अब 6 दिनों से बराबर है। हम आपको यह बताते हुए कि दरभंगा शहर में 6 दिनों से स्थिति यथावत है। 2017 के बाढ़ की तुलना करें तो 1.5 फीट नीचे है नदी शनिवार तक, और यह स्थिति जो सोमवार को थी उससे 5-6 इंच पानी घटा, और उस समय से यही स्थिति है दरभंगा शहर की। वर्तमान में 8, 9 और 23 भागों में कुछ पानी, और आधा दर्जन जो शहर का पूर्वी इलाका है उसके नाले लबालब भरे हुए हैं, कई निचले इलाकों में पानी है। और इस बीच दरभंगा शहर के पास सिमरा निहालपुर पंचायत में गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के सांसद पहुंचे। मालूम रहे कि सत्र चलने के कारण वे एक दिन शनिवार और रविवार के लिए आए थे, और जैसे ही सत्र समाप्त हुआ वे सिमरा निहालपुर पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों के साथ उन्होंने जो दर्द था उसको साझा करने की कोशिश की, समस्या को जाना, और साथ साथ यह भी आश्वासन दिया कि हर बाढ़ पीड़ितों के खाते में 6,000 रुपये की राशि भेजी जा रही है, कहीं से कोई कमी नहीं होगी, यह आश्वासन उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह तत्पर है, बाढ़ का मुद्दा को उन्होंने पुरजोर उठाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बात की है और शीघ्र समाधान के दिशा में भी अब बाढ़ के बाद कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 500 से अधिक जगह पर सामुदायिक रसोई चलाया जा रहा है, 1.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को खाना खिलाया जा रहा है, जिसकी निगरानी लगातार मध्याह्न भोजन के पदाधिकारी अनुरोध श्रवण समिति एवं प्रेक्षण में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त हुए पथों की आपातकालीन मरम्मति करने का निर्देश भी अभियंताओं को दे दिया गया है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन स्वयं हेलीकॉप्टर से पीड़ितों के बीच सूखा राहत ड्रॉपिंग की निगरानी कर रहे हैं। आपदा के समय राहत व वितरण कार्यों में पारदर्शी बनाने हेतु जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित है और जिला प्रखंड पंचायत स्तर पर राहत निगरानी समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि बचाव कार्य में लगे सभी जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन्होंने बेहतर काम किया, स्वयंसेवी संस्थानों ने भी बेहतर काम किया। गोपाल जी ठाकुर के आने की खबर सुनते ही जो बाढ़ पीड़ित है इलाके के लोग हैं भारी संख्या में अपना दर्द साझा करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि वे लापता हैं और यह सब विरोधियों की साजिश है, वे हमेशा जनता के साथ हैं दिल्ली से लेकर दरभंगा तक। आन माल को बचाने का काम किया गया है और यहाँ पर तत्परता पूर्वक से एनडीए के सभी कार्यकर्ता आम लोग लगे हुए हैं, पार्टी के पदाधिकारी जन स्वयंसेवी संस्थान के लोग सबके सब लगे हुए हैं और हम समझते हैं पानी भी धीरे धीरे कम होने की स्थिति में हो रहा है और यहाँ कोई कमी नहीं रहेगा, जिसके पास में जिसके अकाउंट पर अभी तक नहीं पहुंचा है, जिसके खाता में राशि नहीं गई है, जिस पीड़ितों के खाते में, उनकी भी सूची बनाकर और जल्द ही राशि जाएगी, ऐसा कहा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने। हम आपको बता दें कि सत्र समाप्त होने के बाद वे सीधे दरभंगा पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहां से शुरुआत कर रहे हैं, हर जगह जाएंगे, पीड़ितों के बीच मिलेंगे और हर घर तक जाने की कोशिश होगी, हर लोगों तक पहुंचने की कोशिश होगी, चाहे वह कार्यकर्ता के माध्यम से हो और एनडीए के लोगों के माध्यम से हो, आम लोगों के माध्यम से हो। उन्होंने कहा दिल्ली में जो आवाज हमने उठाई है इसके बाद पूर्ण समाधान करने की दिशा में काम करेंगे। हम आपको बाढ़ के कहर का दृश्य दिखाते हैं कमतौल के बड़ियौल में। जी हां, लगभग 100 घरों की आबादी वाला यह एक क्षेत्र जो गरीबों का जहां अधिकतर मकान है वह टापू बन गया। सहायता राहत की आस में लोग परेशान और नाव ही एकमात्र सहारा है। लगातार पानी और एक पखवाड़े से पानी हो तो घर में रखा सारा सामान समाप्त हो ही जाता है
आप कल्पना कर सकते हैं। शहर के आसपास भले ही हम कतार लगाते रहे हो, उम्मीद करते हो राहत की, लेकिन जो टापू बना है एक पखवाड़ा से, वहां के लोग कैसे इस बाढ़ की धार के बीच जीवन गुजार रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमतौल के बड़ियौल में, जहां नाव ही एक सहारा है। वह नाव भी 2017 में सरकार ने दिया था, टूट गई थी, अपने पैसों से मरम्मत किया और फिर चल पड़ते हैं। आवश्यक सामग्री खरीदते हैं बाजार से और फिर अपने घर आते हैं। 100 घरों का यह इलाका या गांव पूरी तरह टापू बन गया है, जहां संवाददाता के पहुंचने पर लोग एकजुट होते हैं। आक्रोश थोड़ा प्रशासन पर, जनप्रतिनिधि पर, कि देखने वाला कोई नहीं है। अपने बलबूते किसी तरह चूल्हा जलाते हैं और फिर दो रोटी बनाते हैं ताकि जिंदगी की गाड़ी चलती रहे। दरभंगा शहर से थोड़ी ही दूर पर टापू बना हुआ कमतौल कारिया बड़ियौल गांव, जहां जीने के लिए लगातार संघर्ष, नाव हुई है सहारा और किसी तरह इस विपता में, इस विपत्ति में क्या है स्थिति आप समझ सकते हैं। पूरा चारों ओर पानी ही पानी, कमतौल का या बड़ियौल का या टोला, जहां सहारा सिर्फ एक नाव का, उम्मीद कि संभवतः कोई आएगा, राहत देगा और ये जिंदगी की गाड़ी इस बाढ़ की मझधार से आगे बढ़कर किनारे जरूर लगेगी, इसी उम्मीद में। मीडिया के लोग भी जब जाते हैं तो बच्चे दौड़े चले आते हैं, शायद राहत मिले। आसमान की ओर टकटकी, संजोग है हेलीकॉप्टर का राहत पैकेट यहां भी नहीं गिरा। मोटर बोट से लोग यहीं आए, नाव ही एक सहारा है और यहीं एक किनारा है। जिंदगी की गाड़ी जरूर आगे बढ़ेगी, किनारा जरूर आएगा अंततः, जब पानी घटेगा। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे देंगे। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF IUI ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार, मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतान की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्टेरोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूहट्टी चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के सामने लहरिया सराय दरभंगा। डॉक्टर रूही आसमी निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन एंड रेसिडेंटल स्कूल, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सीजन 2019-20, कैरियर ओरिएंटेड, नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस, अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट, क्लासरूम्स विथ स्मार्ट स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज, स्पेशल क्लासेस ऑफ मॉडल एजुकेशन, स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेस, कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 7061845006 9234928396। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। बाढ़ की धार तो कम हुई, लेकिन तेवर अब भी बरकरार। शनिवार को सिंहवाड़ा के सरवाड़ा का बांध टूटा, चारों ओर पानी ही पानी। शहर में भी 6 दिन से ठहरी है नदी, 2017 की तुलना में 1.5 फीट कम है बागमती नदी का पानी, स्थिति यथावत। और पाताल से कम होते पानी को जमी पर लाने के लिए परेशान जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM अब आसमान से बरसे पानी और उफनती नदी से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर और मोटरबोट के सहारे जलदूत बनकर पीड़ितों के बीच झोंक रहे, अपनी ताकत दे रहे सेवा। हम बढ़ते आगे, लेकिन कैसे पूछा सर, दुर्घटना में घायल कल्याण गांव के
एक बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है। 20 जुलाई को दरभंगा से बेनीपुर जा रही मारुति वैन से उक्त बच्ची घायल हो गई थी। उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका पैर काफी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद खतरनाक है और वह जिंदगी और मौत से जूझ रही है। जिला स्तरीय विज्ञान ड्रामा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया आरएनएम प्लस टू राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में शनिवार को। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट की ओर से स्वास्थ्य शिविर लगाकर जांच किया गया। इसमें कई चिकित्सकों ने अपनी सेवा दी। बाढ़ की धार इस बार इतनी जल्दी आई कि इसकी तैयारी कर रहे लोगों को बाढ़ राहत नियंत्रण विभाग आपदा विभाग को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पूरे जून में लगातार सूखे की चपेट में दरभंगा और पाताल से कम होता पानी। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम जलदूत बनकर पाताल के घटते पानी को जमीन पर लाने के लिए लगातार बैठक कर रहे थे। 8 बजे रात्रि में बैठक होती थी। शहर में पानी कितना बटा, ग्रामीण में क्या स्थिति है, कितना नल का कनेक्शन लगा, ये समीक्षा होती थी। 6 तारीख से हुई बारिश ने थोड़ी राहत दी और जो बंद चापाकल था वो धीरे धीरे चलने लगा। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन से 12 जुलाई को सब 6 दिन की छुट्टी पर 17 जुलाई तक के लिए गए, लेकिन 12 जुलाई से ही नेपाल में भीषण बारिश से 13 और 14 को स्थिति गड़बड़ा गई। आनंद फानंद में जिला पदाधिकारी त्यागराजन एसएम स्वयं छुट्टी अपना रद्द कर वापस रास्ते से ही दरभंगा लौट गए और लगातार जो 8 बजे रात्रि में जल के लिए बैठक करते थे, जल से त्राही मांग के लिए, उसी दिन उनकी 15 तारीख से बैठक शुरू हुई और उसके बाद पाताल से खोजते पानी, जमीन पर पानी लाने का प्रयास और आसमान से इतना पानी बरसा कि सड़क डूब गई और चलने लगे, अंततः मोटर बोट पर, कुछ सहारा मिला हेलीकॉप्टर से भी। दरभंगा में 6 मई को मतदान की तिथि समाप्त हुई मधुबनी में और दरभंगा जिला में। उसके बाद थोड़ा इंतजार था लेकिन पानी के लिए त्राहिमाम हुआ और अंततः हर जगह पानी का डिमांड। 23 मई को वोटों की गिनती शुरू हुई और उसके बाद पानी के लिए चारों ओर हाहाकार, कई जगह सड़क जाम हुआ, पाताल में पानी घटता गया, उसे जमीन पर निकालने का प्रयास और हर जगह पानी ही पानी। पानी के लिए त्राहिमाम स्थिति देख अंततः मुख्य सचिव को, नगर विकास के प्रधान सचिव को दरभंगा आना पड़ा। तालाबों को गहरा करने का, उदारीकरण करने का काम शुरू हुआ। समरसेबुल भी गड़ाए गए, पानी वितरण के लिए 20 टैंकर लगाए गए। जिला पदाधिकारी ने स्वयं कमान थाम ली। 8 बजे प्रतिदिन बैठक करते थे, आज कितना शहर में पानी वितरण हुआ, कितना चापाकल ठीक हुआ, नलजल कलेक्शन कितना हुआ, यह उनकी दिनचर्या बन गई। पानी के लिए हाहाकार, पानी के लिए त्राहिमाम और जलदूत बनकर जिला पदाधिकारी त्यागराजन एसएम इस कमी को दूर करने का प्रयास करते रहे। पटना को भी अवगत कराते रहे, पटना के आलाकमान भी आते रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहां की स्थिति का जायजा लेते रहे। लेकिन 6 जुलाई से जब बारिश शुरू हुई तो 10-11 तारीख तक थोड़ी राहत मिली, नमी आई, जो बंद चापाकल था वो धीरे धीरे पानी देने लगा, मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चापाकल की स्थिति इतनी खराब थी कि सामान्य चापाकल तो काम करना बंद ही कर दिया, जो इंडिया मार्ग का चापाकल था वह भी दम तोड़ रहा था और ऐसे में सिर्फ पानी वितरण टैंकर ही सहारा था, सबमर्सिबल से ही पानी आना था। और ग्रामीण स्थिति में हर घर नल जल योजना में जहां काम अटका था वहां काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। किरासन की तरह बाल्टी लगाकर लोग पानी के लिए कतार में थे, जहां पानी नहीं मिलता था वहां आक्रोश में थे। वक्त बदला, स्थिति बदली, आज की स्थिति यह है, वर्तमान स्थिति आप देख सकते हैं। जिला पदाधिकारी सामान्य स्थिति देखकर 12 तारीख से 17 जुलाई तक छुट्टी में गए, लेकिन 12 से ही नेपाल में भीषण बारिश और उसके बाद पानी की बौछार। बारिश दरभंगा में भी 13 और 14 को पूरा पानी पानी हो गया
और बीच में स्वयं छुट्टी छोड़कर जिला पदाधिकारी दरभंगा लौटे। बाढ़ के लिए तैयारी हो ही रही थी, अंदाज था कि जुलाई के अंत में आ सकता है, लेकिन बीच में ही बाढ़ ने ऐसा तहलका मचाया कि सबके हाथ पांव फूलने लगे। पानी के लिए लगातार 8 बजे रात्रि में प्रतिदिन बैठक करने वाले जिलाधिकारी, पानी से तबाही के लिए बैठक शुरू हुई जो प्रतिदिन चलना जारी है। पाताल से कम होते पानी को जमी पर लाने का प्रयास करते जिला पदाधिकारी त्यागराजन एसएम जलदूत बनकर लगातार पानी लाने का प्रयास करते रहे। एक पखवाड़ा में आसमान से बरसता पानी, नदियों की उफान ने पानी कम करने के लिए जलदूत बनकर सड़क मार्ग से नहीं मोटरबोट से जाकर पीड़ितों की सेवा में लगे हैं। एक पखवाड़ा में दो दो रूप, पूरी टीम जिला प्रशासन की, और पानी के लिए जंग, पानी से जंग, और इस जंग से जारी है लड़ना। पूरी टीम का नेतृत्व करता दरभंगा के जिला पदाधिकारी त्यागराजन एसएम। थल मार्ग जहां बंद हो गया वहां जल मार्ग, जहां जल मार्ग भी सुदूर है वहां वायु मार्ग, राहत पहुंचाने की कवायद, एक चुनौती, एक संघर्ष, जिसे चुनौती स्वीकार कर आगे बढ़ते हुए जिला प्रशासन की पूरी टीम, सहयोग आम जन का, उनका जो सूखे में है लेकिन दर्द बांट रहे हैं इन पीड़ितों का। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। वर्ष 2007 में दरभंगा के जिला पदाधिकारी रहे उपेंद्र शर्मा एक कार्यक्रम में दरभंगा आए हुए थे। उन्होंने भी वर्तमान में बाढ़ की स्थिति की चर्चा की, जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के कार्यों की सराहना की। अपने कार्य के समय से उन्होंने कहा कि वह भी तबाही थी, हम विपरीत परिस्थिति में निपट रहे थे, वर्तमान प्रशासन भी काम कर रहा है और युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के नेतृत्व में राहत कार्य चल रहा है, वह काबिले तारीफ है, और हमारी कामना है कि जल्द से जल्द जो दरभंगा के बाढ़ पीड़ित है वो इस समस्या से निपटे। काम दरभंगा में किया गया और इस साल भी जो बाढ़ है जिला प्रशासन काफी सक्रिय है, मुझे जानकारी मिली है। हम समझते हैं कि वर्तमान प्रशासन भी अपनी क्षमता के अनुसार सरकारी नियमों के अनुसार कार्य करेगी और जनता को बड़ा कठिन समय मालूम रहे कि 2007 में भी बाढ़ की विभीषिका ने तबाह कर दिया था। तत्कालीन जिला पदाधिकारी उपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में राहत कार्य चलाया गया था। 12 साल बाद वह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में यहां आए हुए थे। बाढ़ की विभीषिका पर उन्होंने अपने दिनों की याद ताजा की, जब उनके पिता की भी मौत हो गई थी तो मुखाग्नि देकर वह पीड़ितों की सेवा में लौटे थे, और वर्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के कार्यों को जानकर उन्होंने कहा कि यही फर्ज होता है जिलाधिकारी का, और ईश्वर से कामना है कि वे अपने कार्य में सफल हों। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। निजी हॉस्पिटल के एक स्टाफ ने बाकरगंज लहरियासराय में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलने पर लहरियासराय थाना की पुलिस पहुंची। शनिवार को एक निजी हॉस्पिटल में कार्यरत एक कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। वह कमतौल का था। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी अनोज कुमार वहां पहुंचे, लहरियासराय थाना की पुलिस भी पहुंचे। घटना का कारण नहीं पता चल पा रहा है कि किस तरह
किस कारण उसने आत्महत्या कर ली। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया गया। आया गया जिसकी सूचना दी गई थी, हम लोग आए हैं तो देखे हैं कि सब लटका हुआ था। इनके द्वारा बताया गया कि रूम से बंद होकर करके बंद था और लटका हुआ था। इस सूचना पर जो है कि पता चला कि ये एक यहाँ पर ही मेट्रो हॉस्पिटल में अकाउंटेंट का काम करते थे और प्रतिदिन गांव से ही आते थे जाते थे, आए थे और बोले कि हम मुँह धो करके आते हैं, मुँह धो कर देने के रूम में गए, रूम में ही लगे। जब देरी हो गया तो यहाँ का स्टाफ देखने के तो अंदर से केवाड़ लगा हुआ पाया गया, फिर केवाड़ खोल के देखे तो लटका हुआ पाया गया। कार्यरत मृतक कमतौल थाना के बड़ियोल पंचायत का रहने वाला रफी नवाब उर्फ राजू है, जो मोहम्मद कलीमुल्ला जिसके पिता मोहम्मद कलीमुल्ला अंसारी हैं। 20 वर्षीय युवक निजी अस्पताल में कार्यरत था जहां यह घटना घटी। सरफराज आलम, BTN न्यूज। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के शिक्षा शास्त्र विभाग में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और चुनौती पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय सेमिनार शनिवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा वैश्वीकरण के संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक चुनौती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने संगोष्ठी का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह भी थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी भी अतिथि के रूप में मौजूद थे। खचाखच भरे हॉल में लगभग 3 घंटे तक वक्ताओं ने अपनी राय रखी और कई अन्य मेहमान जो प्राध्यापक हैं उन्होंने भी इस विषय पर अपने विचार रखे। और ये उम्मीद की जाती है कि मुख्य अतिथि कुछ ऐसा बोले जिससे उनकी थकान भी दूर हो, अब जो भूख अभी लग रही है कुछ देर तक उसको आप टाला जा सके, हम प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी जो ये मिथिला की धरती है, अभी चर्चा कर रहे थे हमारे हकीम साहब और उसके पहले अरविंद जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, उस पर हम आएंगे कि मंडन मिश्र की धरती इसकी बात कर रहे थे ना, तर्क लॉजिक। और देखिए पूरा का पूरा जो मिथिला जो संस्कृति है, आप जहां भी जाइए पाक पहनाएंगे फिर आपको अंगूठा देंगे। मंच संचालन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने किया। इस मौके पर अली अशरफ फातमी ने भी अपने विचार रखे। पूर्व विधान पार्षद विनोद कुमार चौधरी भी और पूर्व जिला पदाधिकारी उपेंद्र शर्मा इत्यादि भी इस मौके पर मौजूद थे। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बाढ़ की धार तो कम हुई लेकिन तेवर अब भी बरकरार। शनिवार को सिंहवाड़ा के सरवाड़ा का बांध टूटा, चारों ओर पानी ही पानी। शहर में भी 6 दिन से ठहरी है नदी। 2017 की तुलना में 1.5 फीट कम है बागमती नदी का पानी, स्थिति यथावत। और पाताल से कम होते पानी को जमी पर लाने के लिए परेशान जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM अब आसमान से बरसे पानी और उफनती नदी से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर और मोटरबोट के सहारे जलदूत बनकर पीड़ितों के बीच झोंक रहे, अपनी ताकत दे रहे सेवा। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।